अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? आप सब, हम सब बिल्कुल ठीक ठाक। आई होप आप सब लोग हमारी वीडियोस देख रहे होंगे और पसंद भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ मीठा, बहुत ही सिंपल और क्विक सा मीठा, छोटे बड़े बच्चों सबका फेवरेट और बहुत जल्दी से बन जाने वाला। जैसे फ्रूट ट्राइफल हम लोग बनाते हैं उसी तरह से बनेगा, लेकिन इसमें फ्रेश फ्रूट्स नहीं आज हम डालेंगे, कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत ही यम्मी सा बनता है। तो आए चलते देखते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ड्राई फ्रूट डिज़र्ट बनाने के लिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे निकाल ली हैं। ये मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम है, काजू हैं, ये वॉलनट्स हैं और पिस्ते हैं। ये सब तकरीबन हाफ हाफ कप है, या आप थोड़े कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितने आप लोगों को अच्छे लगते हैं। और ब्राउन शुगर है और कस्टर्ड पाउडर है। मेरे पास है मैंगो फ्लेवर का, कोई सा भी फ्लेवर जो आप लोगों को अच्छा लगता है वो ले लें। और व्हिप्ड क्रीम है, आपके पास व्हिप्ड क्रीम नहीं है तो कोई सी भी क्रीम, जो डबल क्रीम या जो भी सिंगल क्रीम आप लोग यूज़ करते हैं वो लेके तो उसको व्हिप कर सकते हैं, ये भी एक लेयर में जाएगी। और दूध है यहाँ पे 1 लीटर मेरे पास। और बिस्किट्स हैं, बिस्किट्स की लेयर के लिए हम इन बिस्किट्स को क्रम्ब करके तो फिर उनकी लेयर देंगे। ये वाले बिस्किट ये लोटस बिस्कॉफ बिस्किट्स हैं, इनका बहुत मज़े का टेस्ट होता है, आजकल काफ़ी इन हुए हैं मार्केट में ना। आप लोग कोई से भी बिस्किट ले सकते हैं, जो प्लेन डाइजेस्टिव बिस्किट्स होते हैं उनकी भी लेयर जाती होती है, अगर वो वाले हैं तो वो वाले यूज़ कर लें। कोई से भी प्लेन बिस्किट्स होने चाहिए, बेसिकली उनका ही टेस्ट अच्छा आता है। और अगर वैसे बच्चों के लिए बनाए हैं तो बच्चों को चॉकलेट बिस्किट पसंद होते हैं, तो आपके पास अगर वो हैं तो उनका उनको आप क्रम करके तो वो डाल दें। और दैट्स इट, बस ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, इनसे हमारा बहुत मज़े का डिज़र्ट बन जाएगा। और चलें सबसे पहले तो हम दूध बॉईल करने के लिए रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कस्टर्ड बनाना है, ताकि कस्टर्ड बन जाए तो ठंडा हो जाए, इतनी देर में बाकी चीज़ें कर लेंगे। तो ये 1 लीटर दूध पहले बॉईल होने के लिए रखेंगे। ओके व्यूअर्स, तो दूध हमारा बॉयल हो रहा है, तो इतनी देर हम हाफ एक कप तकरीबन मैंने दूध लिया है, उसमें कस्टर्ड मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड के जाएंगे 3 टेबलस्पून, ये वाले 3 टेबलस्पून भर के, तो वो हम इसमें डिसॉल्व कर लेते हैं। वन, टू, ये हमारा मैंगो फ्लेवर का है कस्टर्ड। तरह से विक कर लेंगे तो कस्टर्ड ताकि अच्छी तरह से हो जाए डिजॉल्व। ये हो गया डिजॉल्व, अब इसको हम दूध में डाल देंगे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, दूध बॉईल हो गया था बिल्कुल हल्की आंच कर दिए, तो थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता डालते जाने। अच्छा, कस्टर्ड थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है तो अब हम चीनी डाल देंगे। 1 कप चीनी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी क्योंकि
बिस्किट भी जाएंगे इसमें और हमने ब्राउन शुगर भी बाद में डालनी है, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। साथ साथ हिलाते रहना क्योंकि फिर नीचे भी लगता होता है कस्टर्ड काफ़ी। और हाँ, जब दूध बॉईल किया था तो मैंने दो इलायचियाँ भी डाली थी, ये नज़र आ रही होंगी आपको, ये मुझे पहले बताना भूल गया। दूध जब बॉईल करना है साथ ही दूध के डाल देनी है। ओके व्यूअर्स, तो कस्टर्ड हमारा बन के रेडी हो गया था और अब ठंडा भी हो गया है। ये देखें बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया था, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे नट्स हैं ये और ये बिस्किट्स, इनको चॉप कर लेना बिल्कुल हमने पाउडर के फॉर्म में, और जो नट्स हैं हमारे वो मोटे मोटे चॉप करने हैं, उनको बिल्कुल पाउडर नहीं करना। तो मैं अभी आपको ओके व्यूअर्स, तब अब हमारे बिस्किट्स भी चॉप हो गए हैं और नट्स भी चॉप हो गए हैं। ये मैंने थोड़े मोटे मोटे चॉप किए हैं, थोड़े चंकी चंकी हैं, और कुछ मैंने बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में ले लिए हैं। ये बिल्कुल पाउडर है और ये थोड़े से चंकी हैं, और ये ब्राउन शुगर है, लाइट ब्राउन शुगर है। तो सबसे पहले बिस्किट्स की लेयर जाएगी ये, इतना सा डाल के देखते हैं पहले। अच्छा, जो नीचे जो लेयर देनी है वो मोटी रखनी है हमने। ओके, इसको अच्छी तरह प्रेस करना है। अच्छा, इन बिस्किट्स में मैंने कुछ भी नहीं डाला, कुछ लोग बटर के साथ इसको ग्राइंड करते हैं तो वो अच्छे से बाइंड हो जाते हैं, लेकिन मैंने नहीं कुछ भी डाला, सिर्फ ये बिस्किट्स हैं। ये हो गए, इसके बाद थोड़े से मैं ये जो नट्स थे ये डालती हूँ इसके ऊपर। डायरेक्ट मैं अपना कस्टर्ड नहीं डालूंगी, अगर डाल दिया तो फिर बिस्किट सारे सौगी हो जाने हैं, इसलिए पहले थोड़े से नट्स डालेंगे। ओके, अच्छा अब इसके ऊपर जाएगा कस्टर्ड। कस्टर्ड की एक मोटी सी लेयर जाएगी क्योंकि कस्टर्ड हम इसमें बस एक ही डालेंगे, एक ही लेयर कस्टर्ड की होगी। ओके, इसके ऊपर भी हम डालेंगे अपनी व्हिप्ड क्रीम। या ना, आई थिंक इनफ है इतना कस्टर्ड। अच्छा, तो अब कस्टर्ड डाल दिया, तो कस्टर्ड के ऊपर थोड़ी सी हम ब्राउन शुगर डाल देंगे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं डाली, एक चम्मच में लेके पहले थोड़ा सा ऐसे ऐसे थोड़ा सा स्प्रिंकल सा करें, हाथ से हमेशा कर ऐसे। इससे एक तो थोड़ा सा क्रंची सा और साथ थोड़ा स्वीट स्वीट मज़े का टेस्ट आ जाएगा, ज़्यादा भी नहीं ऐसे थोड़ी सी, इसीलिए हमने कस्टर्ड में चीनी थोड़ी कम रखी थी। बाकी ये जो नट्स का पाउडर था वो
और ये ड्राई फ्रूट्स वो दूसरे वाले जो हमने चंकी रखे थे थोड़े, ये ज़रा भर भर के जाएंगे क्योंकि है ही हमारा ड्राई फ्रूट वाला डिज़र्ट। स्पेशली विंटर में तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा, सर्दियों में खाना भी सर्दियों में चाहिए ज़्यादा नट्स हैं, गर्मियों में तो नहीं सही। चलो ये भर दिया, थोड़ा सा बाकी ऊपर डेकोरेशन के लिए रख देते हैं। बाकी थोड़े से जो बिस्किट्स के क्रम्स थे वो भी बस। अच्छा अब इसके ऊपर जाएगी व्हिप्ड क्रीम, आपके मेरे पास ये वाली थी, मैं पहले दिखाई थी, रेडी होती है, रेडी टू यूज़ व्हिप्ड क्रीम होती है, ये शेक्स वगैरह पे भी डाल जाती है, किसी भी चीज़ पे आपने व्हिप्ड क्रीम डाली है उसके लिए यूज़ हो जाती है। अगर बस नहीं है तो कोई भी क्रीम जो घर में होती है उसको आप व्हिप करके तो वो यूज़ कर सकते हैं। मैं ये डाल दूँ, ये कुछ आपने डेकोरेशन वगैरह करनी हो अपने केक्स की या कप केक्स वगैरह की, उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। इनके हमारे भी पैटर्न बन गए एक रैंडम सा। बस इतनी सी क्रीम ओके तो अब क्रीम के बाद इसमें थोड़े से जाएंगे नट्स अपने, थोड़े से जो मैंने रखे थे, थोड़े बिल्कुल हल्के से डाल लें बस। थोड़े से बिस्किट्स, और अब इसमें डाल देंगे हम, मेरे पास रेड सिरप है, वो आपको पता ही होता है कौन सा वाला रेड सिरप है ये तो ये थोड़ा सा ऐसे बस थोड़ा सा देसी टच भी तो देना, बस लुक के लिए। आपके पास और कोई चीज हो, कोई और आइडिया हो, वो भी आप ऐसे डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं। बस अब ऊपर से थोड़े से जो नट्स हमने ऐसे होल नट्स ही रख देंगे, बस ये हो गया डन। अब इसको फ्रिज में रखें, आप जितनी देर रखेंगे उतना अच्छा सेट हो जाए, फ्रिज में रख दें और फिर सर्व करें, बहुत ही मज़े का। अब मैं आपको फ्रिज में रख रही हूँ, इसको फ्रिज में रख रही हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ जब सर्व करने लगेंगे। हाँ जी बताएं हनान, ड्राई फ्रूट ट्रैफल है ये, देर बाद बनाया ये, खाके ट्राई करें। बिस्कुट फ्लेवर जरा हमने बनाया है, वेरी नाइस सच्ची। बिस्कुट का जो टेस्ट है इसमें बहुत अच्छा है, काफी यूनिक सा टेस्ट है।
ओके व्यूअर्स, तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं भी पसंद आई फिर भी बताइएगा। कोई भी गलती, कोई भी मिस्टेक या कोई और आइडिया अगर आप लोगों के जहन में हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा, ट्राई करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा। या कोई नई चीज़ अगर इसमें हम कोई ऐड कर सकें, बहुत सारे लोगों के जहन में डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, इसमें कुछ आप चेंज भी कर सकते हैं, तो किसी के जहन में कोई आइडिया हो तो ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह हमारी वीडियोज़ देखते रहें, पसंद करते रहें, कमेंट और लाइक ज़रूर करते रहें, और वीडियोस अच्छी लगें तो आगे शेयर भी ज़रूर करते रहें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जो कि हम हर वीडियो में कहते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।